नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने दो इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, भारत पढ़े ऑनलाइन और युक्ति पोर्टल। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने दो इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। पहला है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन और दूसरा है युक्ति वेब पोर्टल। इसका एम है कि इम्प्रूव करें और मॉनिटर करें जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम है हमारे भारत में, उसको कि उसको कैसे ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके और कैसे मॉनिटर किया जा सके। भारत पढ़े ऑनलाइन जो है एक वीक लॉन्ग कैंपेन है जो कि 16 अप्रैल तक चलेगी। इसमें ना क्या किया जा रहा है, इसमें क्राउड सोर्स किया जा रहा है आइडियाज़ को। जैसे इसका मतलब ये है कि आइडियाज़ जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जो बेस्ट ब्रेन है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, उनसे मंगवाए जा रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ आकर के आइडिया शेयर करो कि हम अपना ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकें। इसका एम है कि इन्वाइट करें जितने भी बेस्ट ब्रेन है भारत के अंदर, वो अपनी सजेशंस को, सॉल्यूशन को डायरेक्टली मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर सकें कि भारत की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में जो जो कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं, जो जो रुकावटें आ रही हैं, उनसे कैसे ओवरकम किया जाए और साथ साथ में हमारे जो डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए बच्चों के अंदर, मतलब बच्चों को डिजिटली जो है पढ़ाने में कैसे मदद मिल सके। और इसके जो मेन टारगेट होंगे वो स्टूडेंट और टीचर होंगे, वो उनकी मेन टारगेट्स ऑडियंस हैं, मतलब इस भारत पढ़े ऑनलाइन पोर्टल की। युक्ति पोर्टल के बारे में बात करते हैं। युक्ति पोर्टल, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति का मतलब ये है, ये एक यूनिक पोर्टल होगा और यूनिक पोर्टल और डैशबोर्ड होगा जिससे कि मॉनिटर किया जा सकेगा और रिकॉर्ड किया जा सकेगा जितने भी एफर्ट या इनिशिएटिव एमएचआरडी मिनिस्ट्री ले रही है एजुकेशन के संदर्भ में, ऑनलाइन एजुकेशन के संदर्भ में। यह आज कवर करेगा जो अलग अलग इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं एकेडमिक्स के अंदर, जो हमारे रिसर्च चल रही है, स्पेशली जो रिलेटेड टू COVID कोविड से रिलेटेड जो रिसर्च चल रही है उसको कवर करेगा, जो सोशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उसको कवर करेगा, जो मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि भाई स्टूडेंट्स की टोटल वेलबींग को कैसे बेटरमेंट किया जा सके उसको भी ये जो है कवर करेगा। ये अलाउ करेगा अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजीज और अलग अलग चैलेंजेस को जो है वो शेयर कर सके मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि अभी जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गई है COVID-19 की, और तो उससे जो है उससे कैसे निपटा जा सके, पहली बात कि उससे बच्चे प्रभावित ना हो, स्टूडेंट्स प्रभावित ना हो, तो उससे कैसे निपटा जा सके, आगे फ्यूचर इनिशिएटिव्स कैसे लिए जा सके क्योंकि काफ़ी बड़ा एकेडमिक जो टाइम है बच्चों का वो ख़राब हुआ है, तो उसको कैसे जो है उस गैप को कैसे फिलअप किया जा सके। जो पोर्टल है वो एस्टैब्लिश करेगा टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ही तरफ से बातचीत हो रही है, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे मिनिस्ट्री भी बातचीत कर रही है और यहाँ से दूसरे पर्सन भी बातचीत कर रहे हैं, दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। ये दोनों टू वे कम्युनिकेशन चैनल होगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD और इंस्टीट्यूशंस जो मिनिस्ट्री को जो है सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो उनके साथ सजेशंस को जो है उनको दे रहे हैं। ये जो पोर्टल है वो एड्रेस करेगा क्रिटिकल जो हमारे इश्यूज हैं कि स्टूडेंट का जो स्टूडेंट प्रमोशन पॉलिसी से जुड़े हुए जो जो मतलब हमारे क्रिटिकल इश्यूज हैं, जैसे अभी हमारी जो सरकार है काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ही नहीं ले पाई है, तो उनको प्रमोट कर किस तरह से किया जाए, तो उनके क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो सकते हैं वो भी बात की जा सकती है, जो प्लेसमेंट रिलेटेड चैलेंज है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अगर वो पास होते हैं तो उनके प्लेसमेंट कैसे किए जाए और आगे उनको जो है जॉब्स कैसे दिलवाई जाए, जो फिज़िकल और मेंटल वेलबींग है जो स्टूडेंट्स की उनको जो है इस चैलेंजेस टाइम में जो है उनको बनाए रखना, मतलब देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए हैं वो स्टूडेंट्स या बच्चे भी हुए हैं क्योंकि बच्चे के मन पर और उनकी जो फिज़िकल और मेंटल जो स्थिति है उस पर भी प्रभाव हुआ है, तो इस चैलेंजिंग टाइम में जो कोविड का जो टाइम चल रहा है अभी उसमें कैसे उनका ध्यान रखा जा सके उन स्टूडेंट्स का। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो पोर्टल है वो इनपुट देता है कि बेटर प्लानिंग कैसे करनी है और मॉनिटर कैसे करना है जो हमारी आने वाले 6 महीनों में जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि कितने बच्चे जो हैं उसमें भाग ले रहे हैं, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, उनको मॉनिटर कैसे किया जा सकेगा। इसका एम है कि
जो मिनिस्ट्री जो चाहती है कि जो अभी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारे सामने आई है COVID-19 की वजह से, जैसे उससे तो हमारी जो एकेडमिक कम्युनिटी है वो प्रभावित ना हो, वो हेल्दी रहे, फिजिकली और मेंटली जो है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि जस्ट सपोज़ कि अभी तो हमारी जो एकेडमिक जो कम्युनिटी है उसको मान लो अभी वो कुछ पढ़ा नहीं रही है, क्योंकि अभी स्कूल ओपन नहीं है, कॉलेजेस ओपन नहीं है, तो अभी काफ़ी बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो कोर्स पूरा कराने में, सिलेबस पूरा कराने में काफ़ी गैप आ जाएगा, तो वो मेंटली और फिजिकली जो है पूरी तरह से हरास हो सकते हैं, तो उनको हेल्दी रखने में और साथ साथ में हाई क्वालिटी लर्निंग को लगातार कंटिन्यूअसली बनाए रखने में और ऐसा एनवायरनमेंट बनाने में जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे, तो इस चीज़ के लिए युक्ति पोर्टल जो है बनाया गया है। आई होप कि आज की हमारी डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।